एक बहुत ही गंभीर सवाल और समस्या के साथ में दोबारा बहुत दिनों के बाद में आज उपस्थित हुई हूँ पूरे भारत देश के बीच में कि हमारी जो देश है भारत देश ये किस दिशा और बढ़ रहा है और इस देश में कानून प्रशासन नाम की कोई चीज है भी कि नहीं। क्या हो रहा है भारत देश में? भारत के कानून कहाँ चले गए? कानून अंधे क्यों हो गए? कानून बहरे क्यों हो गए? यहाँ तक कि सवाल सिर्फ भारत के कानून पर नहीं है, सवाल भारत के संविधान पर भी उतर ही है। संविधानिक रूप से एक मनुष्य को एक मानवता के अधिकार से जीने का हक है कि नहीं है हमारे देश में? अगर हमारे संविधान में हमारे मानव को मानवता के अधिकार के साथ जीने का हक है तो आज हमारे बीच में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक दृश्य जिसे लोग मैंने कई लोगों के बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, लोग कह रहे हैं कि ये शर्मनाक है। मैं कह रही हूं कि ये शर्मनाक नहीं, ये दरिंदगी है, ये हैबानियत है। इस तरीके की हैबानियत से, इस तरीके की दरिंदगी से कोई भी मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ये देश, इस देश की पहचान क्या है? हमारी देश की पहचान क्या है? ये वही देश है जहां पर स्त्रियों की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की अर्चना की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, माता सरस्वती की पूजा की जाती है। ये वही देश है जहां पर नारियों की एक सम्मान की जाती है, नारियों की पूजा की जाती है। यहां तक कि आप सबको पता होगा भारत के उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र में एक प्रदेश है असम प्रदेश, वहां पर स्थित है हमारा माँ कामाख्या टेम्पल। माँ कामाख्या जो मंदिर है उस मंदिर में पूजा किस चीज की होती है आप सबको पता है? वहाँ एक देवी की योनि की पूजा होती है जिसे हमारी पौराणिक कथा में कथित किया गया है। माता सती देवी का जो एक योनि का अंग है, जब भगवान शिव जी उनको लेकर के पूरे भ्रमण की, माता सती ने जब अग्नि कुंड में अपनी प्राण त्याग दी थी कूद कर, उस अग्नि हवन कुंड में जब उसने अपनी प्राण त्याग दी थी तब उसके शरीर के हर एक हिस्से जब भगवान भोलेनाथ गुस्से में आकर के आक्रोशित होकर के उनके शरीर को उठा करके, मृतक शरीर को, अजले शरीर को उठा करके जब पूरी सृष्टि की भ्रमण कर रही थी तो उनका एक अवशेष, जो योनि का जो अवशेष जो हिस्सा है, वो हमारे असम की धरती पर गिरे थे, तभी उनके नाम से वहां पर हमारा माँ कामाख्या टेम्पल बनाया गया है। माँ माता कामाख्या का मंदिर है, वहां हम अपनी सती देवी के योनि को पूजा करते हैं। ये ऐसा देश है जहाँ औरतों को हमेशा देवी का दर्जा दिया गया है, जहां एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने कोख में, पेट में रखती है, उसके बाद में उस औरत में इतनी ताकत है कि वो एक नई जीवन को जन्म देती है। तो आज जिस देश में औरतों की पूजा की जाती है, जिस देश में औरतों की अर्चना की जाती है, माता सीता की हम सारे बच्चे है खुद को हम कहते हैं, उसी देश में आज खुल्लेआम दरिंदगी भरी, हैबानियत भरी एक दृश्य हमारे बीच में घूम रही है। परसों से, कल से, मैं हालांकि कल मेरी नजर उस पर गई 20 जुलाई 2023, और यहाँ जब मेरी नजर उस दृश्य पर गई तो मैंने अपने जानकारों से पूछताछ की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 3 मई 2023 का दृश्य है, 3 मई 2023 का दृश्य है जिसका वायरल 20 जुलाई को हुआ है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? कुछ समूह है, मर्दों का समूह है, मर्दों का कुंभ है, जो कि दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके नंगे पैरेद करवाया जा रहा है सड़कों के बीचों बीच, खुलेआम। उसके बाद वहां तक बात खत्म नहीं होती है, वहां से फिर उन दोनों महिलाओं को नंगे हालत में ले जाकर के खेतों की ओर ले जाते हैं और वहां उनका सामूहिक बलात्कार होता है, ये बताया जा रहा है। तो आखिर मेरा सवाल है इस देश के संविधान से, इस देश के संविधानिक ओहदे में जो व्यक्ति विराजमान है, इस देश के कानून प्रशासन जिसके हाथ में है, क्या कानून इतनी लाचार हो चुकी है हमारे देश की? क्या संविधान इतना बेबस हो चुका है हमारे देश का कि आज पूरे, अभी आज 79 डेज हो चुका है इस पूरे कांड को लेकर के,
एक प्रदेश में, हमारे महान भारत देश के अंदर में उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र में एक प्रदेश है, मणिपुर प्रदेश। उस मणिपुर प्रदेश में एक सांप्रदायिक जो एक आग लगी है, एक सांप्रदायिक जो लड़ाई छेड़ी है, उस लड़ाई के बीचों बीच में आपने किसी का घर जलाया, किसी ने किसी के ऊपर में प्रहार किया, किसी ने किसी की हत्या की, किसी ने किसी को घर से बेघर कर दिया। वो सांप्रदायिक लड़ाई इतने दिनों से चल रही है, करीब करीब आज 79 डेज हो गया है, दो महीने, ऑलमोस्ट दो महीने होने को आ रहे हैं। तो आज यहां पर 79 डेज तक कानून आंख बंद करके क्यों बैठा हुआ है? मैं ये कानून उस राज्य की कानून से पूछना तो बेकार है, उस राज्य की कानून से बात करना तो बेकार है, मैं ये कानून अपनी देश की कानून से पूछ रही हूँ। देश की कानून को क्या हुआ है? कल मैंने देखा है एक न्यूज इंडिया में, ये टेलीफोनिक इंटरव्यू विद द सीएम एन बीरेन सिंह जी, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है मणिपुर के एन बीरेन सिंह जी का, मैंने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू देखा। इसमें बीरेन सिंह जी को जब ये पत्रकार जो है, जर्नलिस्ट जो सवाल कर रहे थे कि आपके यहां से, मणिपुर से एक ऐसा वीडियो लीक हुआ है जिसपे दो महिलाओं के साथ में इस तरीके का दुष्कर्म किया गया है, तो बीरेन सिंह का जवाब आता है, बीरेन सिंह जी का जवाब आता है, ये तो आम बात है, हमारे यहां सैकड़ों ऐसे हादसाएं चल रही है, आपको क्या पता यहां पे क्या हो रहा है, हर दिन ऐसी हादसाएं हो रही है। तो एक मुख्यमंत्री जी का, एक राज्य के मुख्यमंत्री जी का इस तरीके का टीवी इंटरव्यू देख करके मैं शॉक रह गए कि ये बहुत आम बात है, बता रहे ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि ये आम बात है और हर दिन सैकड़ों ऐसे कांड होते रहते हैं, तो इसका मतलब, इसीलिए उन्होंने यहां तक कहा कि इसीलिए इंटरनेट शट डाउन किया गया है। तो चाहते क्या है कि ऐसी वारदातें होती रहे, महिलाओं का शोषण होता रहे और लोगों की हत्याएं होती रहे, सांप्रदायिक आग जो है वो और ज्यादा उलझता जाए, और ज्यादा भड़कता जाए, सुलझने के बजाय लोगों के नजरों में ना आए। नेशनल मीडिया से मेरा सवाल है, बहन अंजना ओम कश्यप जी आप कहां पर हो, बहन श्वेता सिंह जी आप कहां पर हो, हमारी बहन रूबिका लियाकत जी आप लोग कहां पर हो? आज हमारी अस्मिता की बात है, हमारी अस्मत पर सवाल आई है, हम सब भारतीय नारी है, आप हम कोई अलग नहीं है, आप भी भारत की बेटी हो, हम भी भारत की बेटी है। और जिन दो नारियों के साथ में कल का जो वीडियो क्लिप वाला दृश्य जो सामने आया है, वो भी भारत की बेटी है, तो इनके ऊपर में आप रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप सवाल क्यों नहीं कर रहे हो, देश के प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो, देश के गृह मंत्री से क्यों सवाल नहीं कर रहे हो, महिला और बाल एवं रक्षक मंत्री जी से क्यों सवाल नहीं कर रहे हो, और देश की राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ, क्या यूसीसी पे चर्चा चल रहा है पूरे देश में? यूसीसी की मान्यता क्या है? यूसीसी क्या कहती है? यूसीसी कहती है कि हमारी भारत की बेटियों को बराबर का हक मिलना चाहिए, उनके माता पिता के घर से हो या फिर उनके पति के घर से हो, संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। हाँ, एक तयशुदा उम्र के बाद उनकी शादी कर देनी चाहिए, या फिर चाहे वो हिंदू महिला हो या क्रिश्चियन महिला हो या मुस्लिम महिला हो, उनको बच्चे गोद लेने का हक मिलना चाहिए। अरे भाई, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हम एक एक महिला के, महिला को क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए और महिला को क्या हक देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास में थोड़ा वक्त है, लेकिन जो दृश्य अभी जो सामने आंखों के सामने आ रहा है वो नागवार है, ना मंजूरी दृश्य है, उसको मंजूर नहीं किया जा सकता, वो गवार नहीं है, वो हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में। उस दृश्य के ऊपर में आप लोग चर्चा कीजिए, यूसीसी को दो दिन के लिए फाइल को थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, हर टीवी चैनल पर आते आप लोग यूसीसी के ऊपर चर्चा करें, इसके ऊपर चर्चा करें, प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा में गए हैं, आलना फलना ये मंत्री वो मंत्री, उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, पानी मंत्री, जल मंत्री, बिजली मंत्री ये कर रहे वो कर रहे कह रहे। इस मणिपुर राज्य में इतने दिनों से, इतने महीनों से जो एक सांप्रदायिक आग जली हुई है, आग भड़की हुई है, इसके ऊपर देश के कानून क्यों बहरे हो गए हैं, देश के कानून क्यों अंधे हो गए हैं? मैं भी एक बेटी हूँ इस देश की,
मैं एक बेटी होने के नाते, एक आम महिला होने के नाते आज मैं देश के कानून से सवाल कर रही हूँ। देश के कानून, जब कभी भी उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, किसी भी स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे देश के कानून हमेशा उसको क्यों इतना केयरलेस होते हैं, क्यों इतना इग्नोर मारते हैं, कभी सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? चाहे वो अरुणाचल प्रदेश क्यों ना हो, चाहे वो असम प्रदेश क्यों ना हो, चाहे वो मणिपुर प्रदेश क्यों ना हो, चाहे वो नागालैंड प्रदेश क्यों ना हो, चाहे वो मिजोरम प्रदेश क्यों ना हो, चाहे वो त्रिपुरा प्रदेश क्यों ना हो, चाहे वो सिक्किम प्रदेश क्यों ना हो, आप लोग हमेशा एक भेदभाव क्यों करते हो, क्यों करते हो भेदभाव हमारे साथ में? हम भी भारतीय हैं, हम भी एक गौरव भारतीय हैं, इस भारत देश के हम निवासी हैं, हम भारत देश के निवासी हैं, हम भी भारतीय हैं, हम पूरी तरीके से हम भारतीय हैं, हम सक्षम भारतीय हैं। हमारे उत्तर पूर्वांचल की तरफ थोड़ा सा नजर दोहराइएगा। मैं देश की, हमारी देश की कानून व्यवस्था से कहती हूँ, भारत की सरकार से मैं कह रही हूँ, आप लोग हमेशा क्यों बहरे पड़ जाते हो, आप लोग हमेशा क्यों गूंगे पड़ जाते हो, आप लोग हमेशा क्यों अंधे पड़ जाते हो? हम चाहे जितनी भी चिल्लाए, आपका नेशनल मीडिया में हमारे उत्तर पूर्वांचल का इशू क्यों नहीं आता है, क्यों उसको बैन किया जाता है? हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों बॉयकॉट करवाते रहते हो? क्या कारण है इस तरह की किसोतेलापन व्यवहार के लिए? मैं सवाल कर रही हूँ इस देश के प्रशासन से, और मैं अपनी प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश की प्रधानमंत्री जी, आप इस वक्त मौन व्रत धारण किए क्यों चुप बैठे हुए हो? आपको बोलना चाहिए। हमारे मोता भाई अच्छी अमित शाह जी, आप तो गए थे ना कुछ दिन पहले मणिपुर, फिर आपके आंखों के सामने, आपके कानों के सामने इतना कुछ हो रहा है। आप देश के, हमारे इस देश के कद्दावर आप गृह मंत्री हो, जिसे पूरा देश एक चाणक्य जी के नाम से नवाजा गया है, तो आप आज तक शांतिपूर्ण तरीके से मौन व्रत धारण करके क्यों बैठे हुए हो? अभी आप कह रहे हैं कि हम डीजीपी से खबर ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। कल मैंने मणिपुर के राज्यपाल जी का भी टीवी इंटरव्यू देखा, वहां पे राज्यपाल जी अनुसुईया जी कह रही है कि ये बहुत ही गलत बात है, उनको पता नहीं थी, वो अभी डीजीपी से वो इसका क्या कह रहे हैं, वो मुआयना ले रही है। तो मैं गवर्नर जी से भी कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप वही उसी राज्य में बैठे हैं, उसी राज्य के राज्यपाल हैं, आप एक महिला हो, सबसे पहली बात है कि आप एक इंसान के रूप में इस धरती पे जन्म लियो, तो आप एक महिला हो, और महिला होने के साथ साथ उसके बाद आप उस राज्य के राज्यपाल हो। आपके पास में संवैधानिक हक है, आपके पास में संवैधानिक हक है कि जब कोई सरकार नाकाम हो जाए, असक्षम हो जाए अपनी सरकारी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए, वो जब अगर नाकाम हो जाए, तो एक गवर्नर अपना स्पेशल जो आर्टिकल के अंदर में जाकर के वो देश की, हमारे पूरे देश की राष्ट्रपति जी को वो चिट्ठी लिख सकती है, वो चिट्ठी लिख सकती है कि इस राज्य में ये कानून नाकाम हो गया है, इस राज्य का गवर्नमेंट जो है, गवर्निंग बॉडी जो है, वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, कॉलेप्स हो चुका है, तो कृपया करके राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए बोल के। गवर्नर जी आप लेटर लिख सकती हो, आप इतने दिनों से इतने लोगों के ऊपर इतने लाशें आपके आमने सामने, दाएं बाएं लाशें बिछ रही है, आप क्यों मौन व्रत धारण करके बैठी हुई हो? और कल जबरदस्ती आप मीडिया में, टीवी इंटरव्यू में आई, तो दो चार सवाल के ऊपर में आपने अपनी गंभीर एक कंसर्न दिखाया, उसके बाद में जब मेन मुद्दे पर, सवाल पर एंकर आए, तो आपका वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। पहले तो सुनाई नहीं देने का एक अच्छा खासा सीन चलता है, उसके बाद में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये कब तक चलेगा? क्यों हर चीज में राजनीति? क्या करना है आखिर? राजनीति किसके लिए होता है? राजनीति राज्य के लिए होता है, देश में बसे वासिंदों के लिए होता है, देश में जितने भी हम लोग रह रहे हैं उन सब के लिए होता है। तो ये राजनीति किसके लिए? लाशों के ऊपर में राजनीति कर रहे हो, और इतने गंदे तरीके से। खबर यहां तक आया है कि 80,000 से ऊपर के लोग राह सिविल कैंप में गुजार रहे हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। ये स्थिति, ये जो सांप्रदायिक जो एक आग जो भड़की हुई है, किसके वजह से भड़की है मुझे नहीं पता। चाहे वो दोनों ही समुदाय के लोगों से मेरी एक अपील भी है इस वीडियो के माध्यम से, दोनों समुदाय के लोग, चाहे वो कुकी समुदाय के हो या मैतेई समुदाय के लोग,
सच्चाई को आप दोनों आंख खोलकर देख लीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए। एक दूसरे से लड़ाई लड़के, एक दूसरे को हमेशा गाली गलौज करके, एक दूसरे को नंगे परेद करवा के, एक दूसरे का गला काट के, एक दूसरे को जिंदा जला के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सच्चाई ये है कि आप दोनों ही भारतीय हो, आप दोनों ट्राइबल कम्युनिटी से हो, ट्राइबल हो, क्योंकि स्पेशली क्योंकि आप ट्राइबल हो, और मैथिली आप इंडियन हो क्योंकि आप इंडियन हो, हम सब इंडियन हैं और इसी इंडिया में रहना है, इसी मणिपुर में रहना है, तो किस बात की इतनी लड़ाई लड़ी जा रही है? क्या आपसी प्रेम, जहां तक मैं फॉलोवर हूँ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का कहना है कि हमेशा दुनिया में प्रेम बांटो, प्रेम बांटो, लव को लव करो, लव को शेयर करो, लव को स्प्रेड करो। जहां लव करना चाहिए एक दूसरे को, वहां इतनी हैट्रेडनेस क्यों, क्यों इतनी हैट्रेडनेस बढ़ गई है? और क्या इसमें जिन लोगों ने, मैं उनसे कास करके सवाल करना चाहती हूँ, उन लड़कों से जिन्होंने दो महिलाओं को नंगे करके परेड करवाया और खेतों में ले जाकर के उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया है, उन बच्चों से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि उन लड़कों, अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ से पैदा हुए हो? क्या आसमान से तपके हो? क्या धरती से तुमको पटाकर अंकुरित करके निकाला गया है? तुम एक महिला के कोख से आए हो और एक महिला के स्तन पान करके तुम उस महिला के छाती को चूस कर दूध पी के बड़ा होकर आए हो। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आए? तुम्हारे अंदर, तुम में और जानवरों में फर्क अभी क्या रह गया है? तुम उसी महिला के कोख से निकलते हो, उसी महिला का छाती का दूध पीकर बड़े होते हो और उसी महिला को नंगा करके तुम लोग रास्ते पे नंगा परेड करवाते हो। उसके बाद में तुम लोग अभी यहाँ पे दो जातियों के ऊपर में ब्लेम गेम चल रहा होता है। और डीजीपी जी का क्या कहना है? सिर्फ एक आदमी को अरेस्ट किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। 3 मई को होता है इंसिडेंट और आप 20 जुलाई को कहते हो कि सिर्फ एक आदमी का अरेस्ट हुआ है। FIR लॉज होता है 18 मई को, 18 मई को लॉज होता है, 18 जून 1 महीना हो जाता है, 18 जुलाई 2 महीना हो जाता है, 2 महीना का ऊपर हो गया, आप कहते हो कि अभी सिर्फ एक आदमी को पकड़ा है। तो डीजीपी जी, आप लोग कर क्या रहे हो? क्यों लाशों को सामने आमने सामने बिछा करके, क्यों मेरे महिला के साथ में इस तरीके का दुष्कर्म हुआ है? क्यों हमेशा हर गरी में, हर युग में, हर लड़ाई हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर वक्त महिलाओं को क्यों बलिदान देना पड़ता है? हम ये सवाल करते हैं। खास करके अभी मैं जाते जाते बहुत भावुक हूँ, मैं बहुत उत्तेजित हूँ, चाहे मेरी बातें किसी को गलत लगे या सही लगे, मुझे परवाह नहीं। मेरी मन फटने, मेरा कलेजा छलनी छलनी होके बैठा है। मैं भारत के प्रशासन से सवाल करते हुए, मैं भारत के प्रशासन से मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग, अगर आपका राज्य में, आपका पार्टी किसी का भी हो, मुझे नहीं पता मणिपुर में किस पार्टी का सरकार चल रहा है, फिर लोग कहेंगे अगर बीजेपी पार्टी का सरकार चल रहा है, मैं कहूंगी तो कहेंगे कि ये तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलती है या बीजेपी पार्टी के सरकार के खिलाफ बोलती है। ऐसी बात नहीं है, मुझे पार्टी से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर में रह करके जो ह्यूमैनिटी सर्विस नहीं देता है, मुझे हमेशा उससे प्रॉब्लम रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे वो किसी का भी पार्टी हो। तो मैं सवाल कर रही हूँ हमारे भारत की, भारत देश की हमारी सरकार से, हमारी देश की प्रधानमंत्री जी से, हमारी देश की गृह मंत्री जी से, कि आप कब अपने चुप्पी तोड़ोगे, या फिर एक इसे क्या कहेंगे, इस गवर्नेंस को क्या कहेंगे? एक सक्षम सरकार चला रहे हो, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कल को मेरे ऊपर आप लोग शब्दों का, जिस तरीके से शब्दों पर मेरा कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है बोल करके, पता नहीं मेरे ऊपर भी क्या बना दोगे। नहीं तो मैं, बहुत गंदे शब्द मेरे मुंह में आ रहे थे, मैं रोक रही हूँ। मैं भारत की, हमारी भारत देश की सरकार से मैं फिर भी कह रही हूँ, रोती हुई एक माँ, खून के आंसू बहाती हुई एक बहन, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, बंद कीजिए महिलाओं पर शोषण, बंद करवाइए इसको, ये आधे नंगे परेड करवाना, सामूहिक बलात्कार करना, अरे जरा सोच कर देखो मेरे भाइयों। मोदी जी आप सोच कर देखिए, अमित भाई, मोटा भाई आप सोच कर देखिए, आप दोनों भी तो किसी स्त्री के कोख से पैदा हुए हो ना, किसी स्त्री के कोख से पैदा हुए हो और स्त्री के, स्त्री का छाती का दूध पीकर बड़े हुए हो। आपके घर में भी बहू बेटियां होंगी, हाँ,
आपके भी अपने बहने होंगे, अपने पूपी होंगे, अपने मासी होंगे, कितने रिश्तेदार ऐसे होंगे जो स्त्रीलिंग के होंगे। तो आप दोनों भी जरा सोच कर देखिए, क्या आपके कलेजे को ठंडक मिलता है ये सब दृश्य देख करके। अभी और देर मत कीजिए, आज तक जितनी देर हो गई बस अभी और देर मत कीजिए। आप दोनों प्लीज उस सरकार को बर्खास्त कीजिए और वहां पे आप लोग अपने तरीके से जाइए, आप लोग पता लगाइए कि कौन किसका जिम्मेदार है, ये सांप्रदायिक आग बरखाने वाला कौन है, आग लगाने वाला कौन है, उसको बंद कीजिए। और सबसे पहले आप वो सांप्रदायिक इशू को बाद में बंद कीजिए, सबसे पहला दिन आप कल सुबह के अंदर जाइए, मणिपुर पहुंचिए और उन लोगों को अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट कर उसी नंगे जहां पर खेतों में खुला खलिदान खेतों में उन्होंने हमारे दो महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किया, वहीं पर उल्टा टांग कर सबको गोली मार दीजिए, एक इब्रत नाक सजा दीजिए उनको, ताकि पता तो चले एक माँ के साथ एक बहन के साथ में दुष्कर्म करने का नतीजा क्या होता है। हमारे भारत के संविधान में भी एक तब्दीली आनी चाहिए, संशोधन होना पड़ेगा। लेट अस एमेन आर्टिकल जो हमारा आईपीसी 376 है, आईपीसी 375 और 376 में एक अमेंडमेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट में इसको रेज कीजिए, आप लोग क्वेश्चन आवर में लेके आइए, इस पर चर्चा कीजिए, डिबेट कीजिए। आर्टिकल 375 में हमको और क्या ऐड करना है, और आर्टिकल 376 की सजा को बढ़ाइए, अंग्रेजों के जमाने के सजा से नहीं चलेगा। अभी आर्टिकल 376 में ये बढ़ाइए सजा को, जहां आप 60 साल और 10 साल की जो आप कैद की सजा सुनाते उसके जगह ये बढ़ाइए, जिस किसी मर्द ने भी किसी महिला के साथ में दुष्कर्म किया है उसको स्पॉट सूट करने का एक आप लोग प्रावधान डालिए इस आर्टिकल में। आर्टिकल 375 में आप एब्रिवेशन ऑफ रेप्स डालते हो ना, एब्रिवेशन ऑफ रेप्स में ऑफेंसेस अंदर कम्स अंदर डिसेक्शन रेप के अंदर में क्या क्या होना चाहिए, सामूहिक बलात्कार करने वाले को आप क्या कहेंगे, इसमें भी लड़की की मंजूरी देंगे कि वो लड़की लाचार है, मजबूर है, उसको उठा करके ले गया, उसके साथ जबरदस्ती की गई, नंगा पेरेत करवाया गया, इसके ऊपर में चर्चा कीजिए। जल्दी से आप लोग पार्लियामेंट में आप लोग सेशन बिताइए, सेशन बिताकर इन दो आर्टिकल्स के ऊपर में चर्चा कीजिए, आईपीसी के सेक्शन के ऊपर में चर्चा कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। कानून को अमेंडमेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर आप तक मेरी धाराओं पर आप काम कीजिए, इन दो धाराओं पर काम कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए, उसके बाद जिन लोगों ने उन महिलाओं को नंगा पेरेद करवाया, उनके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया, उन लोगों को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा सृष्टि देख ले, पूरा वर्ल्ड देख ले कि भारत में कानूनी तौर से कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ में क्या सजा तय होती है। ये आप लोग साबित करके दिखाइए। मैं ये भारत की सरकार और भारत की हमारी देश की जो हमारा सर्वोच्चतम सर्वश्रेष्ठ न्यायालय है उनके मैं चीफ जस्टिस से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और इट्स नॉट ओनली ए रिक्वेस्ट, ये डिमांड भी कर रही हूँ। और जाते जाते अंत में हमारी देश की महामहिम, हमारी देश की जो महामहिम राष्ट्रपति जी है, यू आर ट्रीटेड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि इस देश की फर्स्ट सिटीजन आप हो। आप फर्स्ट सिटीजन होने के बाद आपके बाद हम लोग एक एक करके आते हैं, हम आम सिटीजन है, वी आर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, लेकिन आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश की सबसे बड़ी संवैधानिक ओहदे पर आप बैठी हुई हो, आपको पूरा आपके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि जिस किसी राज्य में भी अगर आपको लगे कि ये सरकार अच्छी तरह नहीं चल रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार की आग में झुलसे हुए हो, सांप्रदायिक आग में झुलसे हुए हो, नफरत की राजनीति खेल रही हो, खरीद फरोख का भी राजनीति चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आप एज एन प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, आपके पास में स्पेशल पावर हमारे संविधान ने दिया गया है कि आप अपना इंटरफेरेंस कर सकती हो। आप इंटरफेरेंस कर सकती हो तो अभी आप इंटरफेयर कीजिए, आप इंटरफेयर कीजिए मणिपुर में जितना जल्दी हो सके, प्लीज आप वहां पे जाइए, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कीजिए और जो सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है उसको अंडर कंट्रोल लेके आइए, बिकॉज मणिपुर इज एन ट्रूली इंडियन स्टेट, इट्स एन ट्रूली इंडियन स्टेट, इट्स नॉट एन पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स एन ट्रूली इंडियन स्टेट।
वी अरुणाचली आर ट्रूली इंडियन. अवर अरुणाचल प्रदेश इज ए ट्रूली इंडियन स्टेट. मणिपुर इज ए ट्रूली इंडियन स्टेट. नागालैंड इज ए ट्रूली इंडियन स्टेट. असम इज ए ट्रूली इंडियन स्टेट. मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, वी ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एट सिस्टर्स, वी आर ट्रूली इंडियंस. सो देयर शुड नॉट बी नो एनी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट वी शुड गेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज वेल एज फ्रॉम द हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द कंट्री. नाउ दिस इज माई रिक्वेस्ट एंड माई डिमांड टू आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. यू बींग ए लेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यू आर ए ट्राइबल लेडी, यू आर ए एसटी लेडी. आप एक ट्राइबल नारी हो, एसटी नारी हो, एससी नारी हो, ओबीसी नारी हो, चाहे जो भी हो, हम ट्राइबल्स लोग हैं. हम इस भारत के मूल निवासी हैं. हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मूल नारी हैं. तो आप एक आज संवैधानिक तरीके से आप सबसे ऊंचे स्तर पर, ऊंचे पद पर विराजमान है. तो आपको पूरा हक है कि नारियों के साथ में आप, नारियों का प्रोटेक्शन कैसा हो, हमारी देश की नारियां फले फूले, हमारे देश के नारियों के ऊपर में हमारे कुछ लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में आगे लेके जाना है, महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट देना है, महिलाओं को ये करवाना है वो करवाना है, महिलाओं के ऊपर में 33% का रिजर्वेशन है, ये वो. सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लेट अस बी वेरी मच प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल क्या है? महिलाओं को इज्जत से जीने का हक नहीं है. मर्दों के बीच में एक सामान की तरह, एक पुतला की तरह महिलाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है. आज आप लोग यूसीसी पे क्या बोल रहे हो? महिलाओं को हम ये हक देंगे, ये मान देंगे, ये सम्मान देंगे. अरे मैं कहती हूँ महिलाओं को हक और सम्मान की बात हम बाद में करेंगे. पहले मेरी जो महिलाएं नंगे सड़क पे जो घूम रही है, उस महिला के ऊपर में एक चादर तो दाग दीजिए. पहले उस महिला के ऊपर में एक चादर दागिए, उसके बाद में उस महिला को अस्पताल लेके जाइए और उनसे सवाल कीजिए, उनसे पता लगाने की कोशिश कीजिए कि जब 10, 20, 40 से ऊपर मर्दों ने उसके ऊपर से होकर के गुजरा है तो उस महिला को पीड़ा कहाँ कहाँ हुई है, उस महिला के शरीर में अंदरूनी कितनी चोटें आई है. वो महिला नहीं रही होगी, आत्मा से वो मर चुकी होगी, शरीर उसका एक जिंदा लाश बनकर रह गया होगा. उस महिला का उपचार कीजिए आप लोग, उस महिला का उपचार कीजिए, उस महिला की मदद कीजिए, उसके बाद में आप बात कीजिए महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के शिक्षा के लिए. पहले महिला के एक जो हमारा जो ये जो जिसे हम क्या कहते हैं वदन, इस बदन को नंगा तो रहने मत दीजिए, इस बदन को एक कपड़े से तो ढक दीजिए. ये कौन सा दृश्य देखने को मिल रहा है? पूरा विश्व देख रहा होगा, पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा कि भारत देश में चल क्या रहा है. भारत में अपनी ही बेटियों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है, लेकिन भारत की प्रशासन गुंगे हो चुके, बेरे हो चुके, भारत की प्रशासन अंधे हो चुके. भारत देश की राष्ट्रपति जी जो है वो एक महिला है, वो एक आदिवासी महिला है, लेकिन उनके ट्राइबल स्टेट में उनकी ट्राइबल लड़कियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, लेकिन देश की राष्ट्रपति अंधी हो चुकी है, गुंगी हो चुकी है, बेरी हो चुकी है. ये क्या चल रहा है? पूरा विश्व देख रहा होगा, अमेरिका देख रहा होगा, रूस देख रहा होगा, तुर्की देख रहा होगा, पूरा विश्व देख रहा होगा हम सबको, जर्मनी देख रहा होगा, यूरोप देख रहा होगा. कितनी शर्म की बात है. हम जब बाहर जाते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग, हमारे देश के नेता जब बाहर दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं. आज हमारा देश का, भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान ये दृश्य देखकर कितना खुश होगा, हमारा भारत देश का दुश्मन देश चीन ड्रैगन ये देखकर कितना खुश होगा कि भारत में औरतों के साथ में ये व्यवहार किया जाता है. तो बंद कीजिए ये सब. अभी आप लोग मोम की पुतले बनकर बैठे मत रहिएगा. देश को चलाना, देश के ऊपर हुक्म चलाना है तो देश के लोगों को पहले सुरक्षित कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए. यही रोना रोना था मुझे आपके बीच में. मैं आज तक का दृश्य देकर के मैं यहाँ पर मैं ये बात रखती हूँ और दोबारा मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं भी सड़कों पर नंगी उतरू, भारत के देश के कानून के खिलाफ मैं भी सड़कों पर कहीं मुझ जैसी कितनी महिलाएं नंगी ना उतर जाए भारत देश की राजधानी में दिल्ली में. मैं खुलेआम सीधी तरीके से पूरे होशो आवाज में कह रही हूँ,
जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़िए और उनको उल्टा तांग करके उनको उनके किए की सजा दीजिए पूरे पब्लिक के सामने। मैं भारत की, हमारी भारत देश की प्रशासन से कह रही हूँ, भारत देश की संविधानिक ओहदे में जो सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ जो नागरिक बैठी है, जो एक ट्राइबल लेडी है द्रौपदी मुर्मू जी, मैं आपसे कह रही हूँ, नमस्कार, जय हिंद।